बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? आज मैं लाई हूँ एक रेसिपी जो कि मैं बना रही हूँ, क्रिस्पी चिकन जो कि आलू जैसी है। इसके लिए मैंने लिए है 500 ग्राम चिकन। इसको मैंने इस तरह टुकड़ों टुकड़ों में इस तरह काट लिए, आलू जैसी चिप्स की तरह। अब हम डालेंगे इसमें मसाले। एक चम्मच जाएगी काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जाएगी वाइट पेपर, एक चम्मच जाएगी लाल मिर्च, एक चम्मच जाएगी तिक्का मसाला, आधा चम्मच जाएगी लहसुन, आधा चम्मच जाएगी अदरक पाउडर, एक चम्मच जाएगी सोया सॉस, एक चम्मच जाएगी ऑरेगानो, एक चम्मच जाएगी नमक, एक चम्मच जाएगी सरगा। इसको मैं 20 मिनट के लिए रख दूंगी, फिर इसके आगे के स्टेप करूंगी। जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन को 20 मिनट हो गई है। अब हम इसका अगला स्टेप करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अंडे में इसको डिप करेंगे, फिर क्रम्स में, फिर अंडे में डिप करेंगे, फिर क्रम्स में, तरह से सारे हम बनाएंगे, फिर फ्राई करेंगे। तो हमने पैन ले लिए, उसमें हमने घी डाली। अब हम डालेंगे चिकन क्रिस्पी स्टिक को एक एक करके हम डालेंगे। इसको आप बच्चों के लिए 2-3 महीने तक फ्रीज कर भी सकते हो, क्योंकि बच्चों की ये फेवरेट होती है। तो 3 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। जी तो ये फ्राई हो गए, हम इसको निकालेंगे। जी तो हमारा चिकन क्रिस्पी स्टिक तैयार हो गई है रेसिपी। ये अंदर से इतनी जूसी और बाहर से इतना क्रंची, इसके साथ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें। इसके साथ दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।